हाय गाइस, तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने क्लिक किया है। इट मींस कि दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कि आप स्कैमर से कैसे बच सकते हो, एक हैकर से कैसे बच सकते हो। काफी सिंपल सा दोस्तों मैं आपको यहां पे थोड़ी सी टेक्निक दिखाने जा रहा हूं। और दोस्तों ये 5 मिनट का वीडियो दोस्तों आप डेफिनेटली देखना और काफी सारे लोगों को शेयर करना, ताकि दोस्तों ये जो भी मतलब स्कैमर्स है, जो भी फ्रॉड हो रहे, उसके शिकार और कोई नहीं बने। आप लोग दोस्तों मुझे इतना सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक नहीं चाहिए, आप मुझे बस इसके मैक्सिमम शेयर्स करवा दीजिए, ताकि दोस्तों ये वीडियो हर एक के पास पहुंच जाए और आने वाले दिनों में कोई भी इसका शिकार नहीं बन पाए। तो सबसे पहले दोस्तों आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूं कि दोस्तों मेरे रियल लाइफ इंसिडेंस, यानी कि जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल ग्रुप में, आज जैसे मेरे फ्रेंड के साथ एक हादसा हुआ, स्कैम हो गया, और पिछले 1-2 महीने में भी दोस्तों मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ अलग अलग तरीके से मतलब फ्रॉड हुआ है, मतलब कि स्कैम हो गया, किसी का फोन हैक हो गया, किसी की लाइफ खराब हो गई। सो दोस्तों वीडियो को प्लीज यार एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक नहीं बट आपको शेयर करना है, वो आप याद रखना। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते कि आज से, कि जैसे आज सुबह मेरे फ्रेंड का एक फोन हैक हो गया था, और दोस्तों हैकर ने काफी अच्छी टेक्निक लगाई थी कि मेरे फ्रेंड को पता ही नहीं था कि उन्होंने के साथ मतलब क्या हुआ है, ना ही उन्होंने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड की थी या ना ही उन्होंने कोई ऐसी लिंक थी जिनके ऊपर क्लिक किया हो। और दोस्तों लिंक से मुझे याद आया कि दोस्तों आज सुबह से आप सब लोग में से काफी सारे ऐसे बंदे हैं जो व्हाट्सएप पे, इंस्टा, फेसबुक स्टेटस में लगा के बैठे हैं कि आईपीएल की ओर से, टाटा आईपीएल की ओर से ये फ्री मिल रहा है, लिंक को ओपन कीजिए। यार आप बेवकूफों वाली बातें नहीं किया करो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है 21st सेंचुरी है, यहाँ पे कुछ भी चीजें फ्री नहीं है। अभी फ्लिपकार्ट का मैसेज आता है, अमेजोन का आता है कि इनके ये टाइम हो गया तो आपको ये फ्री मिल रहा है, आप क्लिक कीजिए। अरे यार आप लोग स्कैम में इसी तरह फंस जाते हो, और क्या पता कि आप लोग अभी नहीं बट आने वाले दिनों में फंस सकते हो, क्योंकि जनरली लिंक वाला क्या होता है कि वो फिशिंग लिंक होती है, फिशिंग लिंक में हमें फंसाया जाता है। जैसे हम मछली को पकड़ने के लिए जो भी मतलब यूज करते हैं ना वो फिशिंग, वैसा ही यहाँ पे वो लोग करते हैं कि हमें अट्रैक्ट करते हैं, कुछ अच्छा अच्छा स्लोगन देते हैं। जैसे इससे पहले टिकटॉक का मैंने वीडियो बनाया था कि उसमें भी फिशिंग लिंक आई थी। एक्चुअली फिशिंग लिंक वर्क कैसे करता है कि वो लोग आपको एक स्लोगन बना के, यानी कि एक एडवर्टाइजिंग वाला पेज बना के आपको अट्रैक्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप नीचे दी गई लिंक को क्लिक करके आप अपनी गिफ्ट पा सकते हो। आप लोग दोस्तों अगर स्मार्ट हो तो नहीं क्लिक करोगे, बट काफी सारे ऐसे होते हैं जो स्मार्ट होने के बावजूद भी दोस्तों ऐसी हरकतें कर बैठते हैं और लिंक के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देते हैं। जैसे लिंक ओपन होता है तो वहां से या तो आपका जीमेल आईडी या तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करने के लिए बोला जाता है, और आप लोग इसको कर भी देते हो। अब करने के बाद दोस्तों वही आप 5 लोगों को शेयर कीजिए। अरे यार आप लोगों को तभी पता चल जाना चाहिए कि यार यहाँ पे कुछ झोल है, यहाँ से मुझे वापस चले जाना चाहिए, बट कहीं लोग नहीं चलते हैं और वो लोग उसको स्प्रेड करते हैं, और ऐसे हर एक 5-5-5 करके काफी सारे लाख सौ करोड़ों लोगों को पास ये मैसेज पहुंच जाता है, और हैकर का काम दोस्तों काफी आसान हो जाता है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। उसी के साथ दोस्तों कि आज जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, उन्होंने ना ही कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड की थी या तो ना ही उसने कोई लिंक ओपन की थी, फिर भी उनका पूरा फोन हैक हो गया। और दोस्तों देखते ही देखते उसकी जितने भी कॉन्टेक्ट पर्सन थे व्हाट्सएप में, उन सबको एक मैसेज गया उनके पैन कार्ड के थ्रू कि यह एक बंदा रैपिस्ट है, इन्होंने 18-year-old गर्ल के साथ रैप किया है, इन्होंने बैंक को डिफॉल्ट किया है, ये वो गंदी गालियां लिखी थी, और इतना बड़ा मैसेज था वहां पे, पूरा चीज मेंशन था कि ये बंदे ने लोन लिया हुआ है, पैसे नहीं दे रहा है, तो अगर मैं फैमिली ग्रुप है, जो भी ग्रुप है वहां पे आपका ये मैसेज स्प्रेड करूंगा, एक पर्सनल ग्रुप बना रहा हूं जिसमें ओनली फॉर आपके कॉन्टेक्ट होंगे। ऐसे डरा धमकाने का काम करते हैं लोग, और कॉल करते तो वहां पे किसी को भी कॉल नहीं जाता है, ओनली फॉर वो लोग व्हाट्सएप ही यूज करते हैं। और वो बंदा मतलब मेरा फ्रेंड जो था वो काफी परेशान हो गया, और देखते ही देखते उन्होंने सुबह ही जाके पहले साइबर क्राइम के अंदर दोस्तों इसकी कंप्लेन की। वहां से भी दोस्तों यही बताया गया कि आप जल्द से जल्द अपना सिम कार्ड बंद कर दीजिए, बैंक के साथ जो भी अपना नंबर लिंक है उसको डीरजिस्टर्ड कर दीजिए, और आप अपने स्मार्टफोन को एक बार सॉफ्टवेयर करवा लीजिए और व्हाट्सएप को डीरजिस्टर्ड भी कर दीजिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है जब हमारा फोन हैक होता है या हमारे साथ कुछ स्कैम होता है तो तुरंत करना चाहिए। और उसी के साथ दोस्तों मेरा वो फ्रेंड मतलब काफी ट्रबल में था, और मतलब कितने लोगों के कॉल मैसेज आ रहे थे कि यार क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों फेसबुक वाला फ्रॉड आया था कि आपकी डमी प्रोफाइल बना के पैसे मांगते, और कोई अपना दोस्त होता है जाट पेंचल वाला वो दे भी देता है कि यार पहली बार मांगे है तो दे देता हूँ। ऐसा दोस्तों नहीं करना चाहिए, और हमें काफी भी अवेयर रहना है। इस टाइम में दोस्तों फ्रॉड स्कैम्स काफी ज्यादा हो रहे हैं। गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम में भी दोस्तों एक अपडेट आया है, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो उसको अभी आप अपडेट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो दोस्तों आपका गूगल क्रोम से भी डेटा हैक होने के चांसेस काफी हायर है। अब दोस्तों दूसरी बात है, और जो भी मैं आपको स्टोरी टाइप बता रहा हूँ ना वो एक्चुअली दोस्तों स्टोरी नहीं है, एक रियल लाइफ इंसिडेंस है मेरे ही ग्रुप सर्कल, मेरे ही फ्रेंड में।
जहाँ पे दोस्तों आपको भी पता है कि व्हाट्सएप में वीडियो कॉल आना स्टार्ट हो गया लड़कियों के। मेरे एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था 2-3 महीने पहले। वो फेसबुक में उसकी मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी गर्ल के नाम से, वो बंदा ने एक्सेप्ट कर ली, उनसे हाय हेलो बातें की, एंड देन थोड़ी देर के बाद ही लड़की ने बोला कि क्या हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। व्हाट्सएप नंबर शेयर हुआ, लड़की ने मैसेज स्टार्ट किया हाय हेलो, और धीरे धीरे देखते देखते थोड़े ही टाइम में दोस्तों जानू बेबी सोना वो सब स्टार्ट हो गया। एंड देन मेरे फ्रेंड को वो पता नहीं चला, और फाइनली दोस्तों मतलब बात आपको भी पता है लड़का लड़की जब बात करते हैं तो वहाँ पे मतलब एडल्ट्स बातें स्टार्ट हो गई। और कब दोस्तों मेरे फ्रेंड ने उनके सामने पूरे अपने कपड़े निकाल दिए, यानी कि न्यूड हो गया, सामने लड़की न्यूड थी, और पूरा वीडियो कॉलिंग पे ये दोनों यहाँ पे अपनी पर्सनल टॉक कर रहे थे, और अचानक से लड़की ने फ़ोन काट दिया। अब मेरा दोस्त परेशान हो गया, जैसे ही फोन काटा उसकी 2 ही मिनट के बाद दोस्त को उसकी पूरी वीडियो यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली थी उस लड़की ने, और दोस्तों उसको व्हाट्सएप पे करने लगी ब्लैकमेल। जी हाँ, और दोस्तों देखते ही देखते मेरे फ्रेंड ने 15-20-25-30 हज़ार तक का अमाउंट भी पे कर दिया, क्योंकि वो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही थी। तो ऐसे टाइम पे दोस्तों आपको घबराना नहीं है, पहली बात तो ऐसा आपको करना ही नहीं होता है, बट अगर आपसे गलती हो गई है तो आप तुरंत दोस्तों साइबर क्राइम में जाइए, आप ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए, या तो तुरंत जाके कंप्लेन कीजिए, तो आप फ्रॉड होने के शिकार से बच सकते हो। और एक फ्रॉड आता है दोस्तों, वो है दोस्तों फोन पे गूगल पे से। तो ये सब चीज़ें भी ऐसे ही है कि आपको कॉल आता है ओटीपी का। अब ध्यान रखिए दोस्तों कि कोई भी बैंकर, कोई भी गूगल पे, कोई भी फोन पे वाला कॉल पे आपसे ओटीपी नहीं मांगता है। जी हाँ गाइस, तो आप लोगों को उसका ध्यान रखना है। आप किसी को भी बोल सकते हो कि ओटीपी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि OTP से ही पूरा अपना लिंक होता है। और आजकल दोस्तों हैकर्स है ना इतने स्मार्ट हो गए हैं ना कि आप बात नहीं पूछो, उतने स्मार्ट है कि एक खाली सिंगल जो भी लिंक आती है ना उसे क्लिक करते ही अपना फोन हैक हो जाता है। पहले तो क्या था कि Gmail ID, कॉन्टेक्ट नंबर, वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन हैक करते थे, बट ऐसा नहीं है। आज उन लोगों के पास इतनी मतलब क्या बोलते हैं अद्भुत शक्ति आ गई है हैकर्स के पास कि वो कभी भी आपका स्मार्टफोन हैक कर सकते। और सबसे दोस्तों मेन चीज है वो है अपने स्मार्टफोन में अनवांटेड यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी दोस्तों हमें ऐसा लगे कि ये एप्लीकेशन मेरे काम की नहीं, आप उसको डेफिनेटली अनइंस्टॉल कर दीजिए, या तो इंस्टॉल ही नहीं कीजिए अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो। और उसी के साथ उसके रिव्यू देखिए, आप उसकी रेटिंग देखिए। जब हम दोस्तों यहाँ पे कुछ मूवी वगैरह देखते हैं तो उसके रिव्यू देखते हैं, तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने के टाइम पे दोस्तों वो एप्लीकेशन के रिव्यूज, उसके स्टार, उसकी रेटिंग्स वगैरह हमें देखनी चाहिए। वो गूगल के साथ कितने टाइम से जुड़ा है वो भी दोस्तों प्ले स्टोर में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे मेन चीज है वो है दोस्तों, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो अपने स्मार्टफोन में, तब दोस्तों आपसे कुछ परमिशन ली जाती है, तो आप वहां पे पहले रीड कीजिए फिर अलाउ कीजिए, क्योंकि वहां पे मेंशन होता है कि वो आपकी क्या क्या चीजें यहाँ से कलेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपको उसकी परमिशन नहीं देनी, तो आप उसको डिक्लाइन कर सकते हो, उससे भी दोस्तों आप फ्रॉड होने के शिकार से बच सकते हो। और दोस्तों आप प्लीज बी स्मार्ट, बी सेफ, एंड जय हिंद।